मध्य प्रदेश के दतिया में कांग्रेस की मुश्किलें लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। एक के बाद एक कांग्रेस के बड़े नेता भाजपा का दामन थमते हुए नजर आ रहे हैं। दो दिन पहले ही कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुरुदेव शरण गुप्ता के भाजपा में शामिल होने के बाद आज कांग्रेस की बड़ी नेत्री उषा नाहर भी भाजपा में शामिल हो गई है। आपको बता दें, दतिया कांग्रेस की पूर्व जिला अध्यक्ष व दो बार पार्षद रही उषा नाहर ने गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा के समक्ष आज भाजपा की सदस्यता ग्रहण कर ली है। गृह मंत्री ने उषा नाहर को भारतीय जनता पार्टी की पट्टी का पहनाकर उनका स्वागत किया। सदस्यता ग्रहण करने के बाद उषा नाहर ने पत्रकारों से रूबरू होते हुए उन्होंने कहा कि गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा के द्वारा दतिया में किए गए विकास कार्य से प्रभावित होकर मैंने आज भाजपा का दामन थामा है। शायद आज सब दुनिया को यही लग रहा होगा कि मैं यहाँ कैसे और क्यों, तो मैं आप लोगों को स्पष्ट कर देना चाहती हूँ कि जैसा अभी गिन्नी भाई साहब ने कहा कि मंत्री जी की रीति नीति, यहाँ का विकास जो वास्तव में दतिया को चाहिए था, वो उससे मैं प्रभावित हुई हूँ। और मैंने ये भी देखा है आप में कि आपने कभी ये विचार नहीं किया कि मेरे पास कोई BSP का आ रहा है, कांग्रेस का आ रहा है, या कोई किसी भी पार्टी का आ रहा है, या गरीब आ रहा है या अमीर आ रहा है। यदि कोई समस्या लेकर अपनी आ रहा है तो उस समस्या को आपने बखूबी निभाया है और उस समस्याओं से निदान